मध्य प्रदेश के भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विजयादशमी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि यह पर्व अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इससे यह भी संदेश जाता है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधर्म कर अधर्म पर धर्म की विजय का ये पर्व, बुराई पर अच्छाइयों की विजय का ये पर्व, और एक संदेश और ये पर्व देता है कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रावण ने अहंकार किया, बहुत मनाया रावण को, हनुमान जी ने कहा सीता जी वापस दे दो, अंगद जी ने कहा सीता जी वापस दे दो, उनकी पत्नी मंदोदरी ने कहा सीता जी वापस दे दो, भाई विभीषण ने कहा सीता जी वापस दे दो, लेकिन रावण नहीं माने और उनका अहंकार और नारी का अपमान जो उन्होंने किया था, मां का अपमान उन्होंने किया था, वो अपमान उनको कुल के साथ नष्ट कर गया। इसलिए एक माँ बहन और बेटी का सम्मान करो, अपमान मत करो, और दूसरे कभी घमंड मत करो, अहंकार मत करो। महाभारत में भी यही हुआ, द्रौपदी जी का अपमान हुआ तो एक वंश समाप्त हो गया, और इसलिए हम रावण को तो मारे लेकिन रावण को मारने के साथ साथ हम अपने अंदर की बुराइयां, वही रावण है, उन बुराइयों को समाप्त करने की कोशिश करें, अच्छाई को बढ़ाएं तो राम अपने आप प्रकट हो जाएंगे, भगवान राम। बुराई अधर्म है उनको समाप्त करें, अच्छाई धर्म है उनको अपने अंदर धारण करें, और माँ बहन और बेटी का सम्मान करें, और अपने देश और अपने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए काम करें। मेरी बहुत बहुत